सब्सक्राइब कीजिए टेकवर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप कितने साल के हैं, या फिर आप कितने महीने के हैं, या फिर आप कितने सप्ताह, या फिर आप कितने दिन, कितने घंटे या कितने मिनट के हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज इसी के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये निकालना आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं आसान तरीके से बिना किसी मैथ या किसी फार्मूले के मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलिए देखते हैं कैसे इसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। आपको कुछ नहीं, एक एज कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में जाके एज कैलकुलेटर सर्च मार सकते हैं। आप अपना, जैसे आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 15/2/18 है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ या मैं किसी और का डालता हूँ तो मैं उसका डाल के देखता हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे पता। जैसे 96 हो गया ये जून, ये 1 जून, ये मैंने एज डाल दिया। कैलकुलेटर पर क्लिक किया, ये देखिए 21 साल 8 महीना 14 दिन। ये आप अगर आप फॉर्म भरते हैं ऑफलाइन तो उसमें आपको ये आता है बहुत निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो इसके साथ आप निकाल सकते हैं। और ये देखिए अगला बर्थडे भी दिखा रहा है आपका, 3 महीना 17 दिन के होगा। और जो मैंने बात में बताया, ये देखिए 21 साल 260 महीने और 1132 वीक और 7992 लगभग डेज हैं, और लगभग घंटे भी देख सकते हैं, मिनट भी देख सकते हैं, सेकंड भी देख सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी का एज, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड तक भी आप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है। और ये भी देख सकते हैं अगला बर्थडे आपका किस दिन पड़ेगा, कौन कौन सा डे रहेगा। ये देखिए अपकमिंग बर्थडे भी दिखा रहा है। आप इस ऐप मदद की सहायता से आप कुछ भी किसी का भी आप निकाल सकते हैं। एज कैलकुलेटर अच्छा ऐप है, बहुत आपको यूज़फुल ऐप है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ बात ना समझ में आई हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।